अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू आज 12 अगस्त को एक झटके में कई अरब रुपए घट गई। हालांकि यह नुकसान इतना बड़ा नहीं था जितना अनुमान लगाया जा रहा था। याद कीजिए, करीब 18 महीने पहले जब हिंडनबर्ग ने पहली बार अडानी ग्रुप पर तमाम अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी किया था, उस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में हड़कंप मच गया था। बस कुछ दिनों में ही अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीब 100 अरब डॉलर कम हो गई थी। यह कॉरपोरेट इतिहास में अब तक किसी कंपनी के मार्केट वैल्यू में आई सबसे तेज गिरावट है। हालांकि इस बार कम से कम पहले दिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट का अडानी ग्रुप के शेयरों पर कैसा असर रहा और क्यों इसे कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स भारत के खिलाफ साजिश के तौर पर देख रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हिंडनबर्ग ने शनिवार को एक नई रिपोर्ट जारी की जिसमें सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए गए। हिंडनबर्ग का दावा है कि माधवी और उनके पति के पास उन विदेशी फंड्स में निवेश था जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप ने किया था। इसी वजह से सेबी अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की गहराई से जांच नहीं कर पाया। इस रिपोर्ट के बाद जैसी की आशंका जताई जा रही थी वैसे ही आज शुरुआती कारोबार में अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार गिरावट आई। इससे एक समय पूरे ग्रुप की मार्केट वैल्यू एक झटके में करीब 19 अरब डॉलर तक घट गई थी, लेकिन बाद में इन शेयरों ने अपने नुकसान की भरपाई की और कुछ तो हरे निशान में भी बंद हुए। कुल मिला के दिन भर में अडानी ग्रुप के मार्केट वैल्यू में करीब 2.4 अरब डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई। अडानी इंटरप्राइजेज 1.4% गिरकर बंद हुआ। वहीं अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जैसे स्टॉक 4% तक टूटकर बंद हुए। इस बीच माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी रिपोर्ट में किए गए दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है और उन्होंने समय समय पर सभी जरूरी खुलासे किए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी एक बयान में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज किया है। इस बीच जाने माने निवेशक मधु केला ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ साजिश करार दिया है। मधु केला ने कहा कि उन्होंने हिंडनबर्ग के खुलासे पर अब तक आई सारी सफाई को अच्छे तरह से पढ़ा है और उन्हें हिंडनबर्ग के ये आरोप कोई खुलासा नहीं बल्कि षड्यंत्र लगते हैं। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग के लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से आधारहीन दिखाई दे रहे हैं। अगर देश के किसी नागरिक ने किसी खास फंड में पैसा डाल दिया है और उसी फंड में देश की किसी दूसरी कॉरपोरेट ग्रुप के व्यक्ति ने भी पैसा डाला हुआ है तो इसमें खराबी क्या है। माधवी की तरफ से आई सफाई में बताया गया है कि उन्होंने अनिल आहूजा के कहने से फंड में पैसे डाले थे और अनिल आहूजा के निकलने के बाद उन्होंने उस फंड से निकासी भी कर ली थी, तो फिर इसमें गलत क्या है, यह समझ से परे है। मधु केला ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग की इस कोशिश का शेयर बाजार और अडानी ग्रुप के शेयरों पर कोई खास असर नहीं होगा। उसकी पहली कोशिश बेकार गई है, ये कोशिश भी बेकार जाएगी। इस मुद्दे के कारण रिटेल निवेशकों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार ने जिस तरह जापान के येन कैरी ट्रेड, लोकसभा चुनाव के नतीजे, बजट में टैक्स बढ़ोतरी के ऐलान जैसी खबरों को पचाया है वह अपने आप में काफ़ी अविश्वसनीय है। ऐसे में बाजार में आगे भी मजबूती कायम रहने की उम्मीद है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।